This is cinema, my darling. उन्नीस सौ अस्सी तक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल था कि जहां फिल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद बाकायदगी से प्रोड्यूस होती थी और उनकी मार्केटिंग होती थी। लेकिन उसके बाद जो जवाल आया उस पर मैं बाकायदा एक छः वीडियोस की सीरीज़ कर चुका हूं पाकिस्तानी सिनेमा के जवाल के इसबाब से, लिहाजा हम उस पर तो बात नहीं करते। हम बात करते हैं पाकिस्तान की फिल्मों के मेयार पे। पाकिस्तानी फिल्मों के अगर देखा जाए तो ऐसे हदायतकार जिनकी फिल्में फिल्म थ्योरी और फ़िलासफ़ी के लिहाज से बैन अल-अक़वामी मेयार की थीं और जो बैन अल-अक़वामी तौर पे पेश की जा सकती हैं उनकी तादाद बहुत कम है, बल्कि यूँ कहा जाए कि उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। आज हमने इन्हीं चंद महदूद हदायतकारों में से एक मुमताज़ हदायतकार हसन तारिक का इंतखाब किया है। आज मैं आपको बताऊंगा हसन तारिक की हदायतकारी की खसूसियात और उनकी फ़िल्मों के हवाले से। हसन तारिक की फ़िल्मों को हम तीन बड़े ज़ुमरों में तकसीम कर सकते हैं। उनकी फ़िल्में एक तो वो हैं जिनका मौजू बुनियादी तौर पे औरत है। मैं लफ्ज़ औरत इस्तेमाल करूंगा इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में जो फ़िल्मी अदीब हैं, जो मुहक्किकीन हैं, मुअर्रिख हैं, जिन्होंने फ़िल्म पर तनकीद की लिखा, उन्होंने हमेशा कहा जी हसन तारिक तवाइफ़ के मौजू को अपनाता है। मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ, उनका मौजू तवाइफ़ नहीं, उनका मौजू औरत है। दूसरा जो ज़ुमरा है, दूसरी किस्म है, वो उन फिल्मों की है जिनमें सियासी और माशरती तौर पर तंज किया गया है, पाकिस्तान की सियासी माशरती सूरत हाल की अक्कासी की गई है। और तीसरी किस्म की उनकी वो फिल्में हैं कि जिनमें इंसानी रिश्तों को और नफ्सियाती गिरहों को पेश किया गया है, जिसमें वो इंसानी रिश्तों की बात करते हैं नफ्सियात के हवाले से और हमारी सकाफत और माशरत के हवाले से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उनकी उन फिल्मों के हवाले से जिनका मौजू औरत है या सियासी और माशरती जो हमारे माहौल की अक्कासी की गई है उसमें। मैं आज उन फिल्मों पर बात करूंगा और इसके लिए हमने नुमाइंदा तौर पर मैंने तीन फिल्मों को मुंतखब किया है, माजी हाल मुस्तकबिल, बेगम जान और एक गुनाह और सही। ये वो तीन फिल्में हैं जिनको हम देखेंगे और ख़ास तौर पे मैं जो फ़िल्म स्टडीज़ के जो तलबा और तलबात हैं, जो मास कम्युनिकेशन के हैं, जो फ़िल्म प्रोडक्शन के हैं, उनसे कहूँगा कि वो ज़रूर इस वीडियो को और से सुने भी और देखें भी, इसलिए कि उनको काफ़ी मवाद मिलेगा। तो आगाज़ करते हैं एक गुनाह और सही से। हसन तारिक की फ़िल्म एक गुनाह और सही, ये वो फ़िल्म है जो सदियों से इंसानी तहजीब के आगाज़ और इर्तिका से लेकर अब तक जो मर्द और औरत का यानी जेंडर का जो कंसेप्ट है उसको लेकर चली है। मैं कहूँ कि पाकिस्तान में फेमिनिज़्म पे अगर सबसे पहले फिल्में बनी तो वह हसन तारिक ने बनाई और फेमिनिस्ट थ्योरी के लिहाज से भी ये फ़िल्म बहुत अहम है। इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। एक गुनाह और सही औरत के उस किरदार को सामने लाता है जो मुख्तलिफ तहज़ीबों में, इंडस की तहज़ीब हो, मिस्र की हो, बाबुल की हो या यूनान की हो, और मुख्तलिफ मज़ाहब में जो अब तक मज़ाहब रहे हैं उनमें औरत का रोल क्या था, किरदार क्या था और माशरे में औरत को किस तरह देखा गया, किस तरह औरत का इस्तेहसाल हुआ या फिर औरत ने किस तरह अपना फ़ायदा उठाया औरत होने का और उसने किस तरह माशरे का इस्तेहसाल किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ख़ुद फिर इसी जाल में फंसती है और उस इस्तेहसाल का शिकार वो ख़ुद भी होती है। एक गुनाह और सही का ये गीत आदेख मोहनजोदड़ो में आपको बहुत कुछ इस हवाले से बताएगा। आप इसको गौर से सुनिए, इसके बोलों को और इसको देखिए। इसमें जो खंडरात हैं, ये खंडर भी एक अलामत है फिल्म थ्योरी फ़िलासफ़ी के लिहाज से। ये खंडर क्या हैं?
ये उस औरत को ज़ाहिर करते हैं कि जो बाहर से सजी हुई है, संवरी हुई है, माशरे को वो तफरी दे रही है। बज़ाहिर बहुत हसीन है लेकिन उसकी रूह खंडर है। वो अंदर से इतना उसका इस्तेसाल हुआ कि वह खंडर बन चुकी है। दूसरी तरफ ये खंडर जो हैं, मंजोदाड़ों के खंडरात, ये अलामत बनते हैं माशरती जवाल के, कि माशरा किस तरह औरत के हवाले से, औरत के किरदार के हवाले से माशरा एक खंडर बन चुका है। माशरे ने औरत को क्या किरदार दिया, क्या मकाम दिया, आइए इसकी एक झलक सुनते हैं। धन ना मांगता तो मम्मी से पूछो। शी इज जस्ट अ वुमन, वो एक औरत है और बस। इतना तो मैं भी जानता हूं लेकिन मैं इससे कुछ आगे जानना चाहता हूं। सुना शरीफ आदमी, मांझेदारों में उदास और परेशान फिरने वाला औरत के लिए अगर हमने एक लफ्ज भी बोला तो तुम चीख उठेगा, इसलिए कि तुम भी एक मर्द है। मैं उस औरत के बारे में पूछना चाहता हूं जिसकी रूह पर लगे हुए जख्म मैंने अस्पताल के कमरे में देखे थे, जो मुझे कातिल और मोहसिन बनाकर कहीं खो गई और मैं पागलों की तरह से तलाश करता फिर रहा हूं। अब अगर ये मिल गई तो मैं जानना चाहता हूं ये कौन है। मौजदड़ों के खंडरात हों या जनता की गारों की मूर्तें, ये मूर्तें, ये बुत औरत की पूरी तारीख हमारे सामने लेके आते हैं। मंदिर की एक घंटी को अलामत बनाया हसन तारक ने, फिल्म थ्योरी की और फिलासफी के लिहाज से बहुत खूबसूरत अलामत। मंदिर की घंटी जब बजती है तो किस तरह पुरानी इबादतगाहों में औरत को नचाया जाता था, किस तरह उसको देवदासी के नाम पे मंदिरों में सजाया जाता था, उसको चंदन का टीका लगाया जाता था, फूलों का गजरा पहनाया जाता था, उसको खूबसूरत बना के भगवान को राज़ी किया जाता था। भगवान तो राज़ी होता ही था लेकिन इंसान ने भी औरत के इस रूप से फ़ायदा उठाया और उसको इस्तेसाल का निशाना बनाया। आइए एक झलक देखते हैं इस हवाले से। Thank you.
دین اسلام کے آنے تک عورت کے ساتھ یہی کھناؤنا کھیل کھیلا جاتا رہا مذہب کے نام پر، انسانیت کے نام پر، لیکن اسلام نے آ کر اس کو بدلا۔ لیکن ہمارا معاشرہ آج بھی انہی پرانی روایات پہ چل رہا ہے۔ ہم شاید اسلامی اصولوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے وہ اسلامی معاشرہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش پہ شرم محسوس کی جاتی ہے، بیٹے کی پیدائش پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے تن جاتا ہے۔ بیٹی آج بھی ہمارے لیے ایک گالی بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ طنز جو معاشرے پہ حسن طارق کی فلموں میں دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے اس گانے کے یہ بول جو ہیں ان کو بھی آپ سنیے۔ حسن طارق کی فلم میں جو عورت کے حوالے سے ہیں، اگر میں کہوں کہ وہ عورت کی مظلومیت کی چیخ ہیں، ایک آہ ہیں، ایک پکار ہیں، جو ہمارے دلوں کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتی ہیں۔ کاش ہم اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں۔ اگلا سین جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک گناہ اور صحیح کا سین ہے۔ اس میں محمد علی اور رانی ہیں اور محمد علی کے جو ڈائیلاگس ہیں، اور پھر اس میں عورت کی جو چادر ہے، جو پردے کی چادر ہے، اس کو علامت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ چادر کتنی مقدس ہے، یہ عورت کو مقدس روپ دیتی ہے، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا۔ لیکن کیوں پھر ہم اسی عورت کا استحصال کرتے ہیں، اس کو نچواتے ہیں؟ سانجھے فخر کر سکتی ہے اس ظلم کے خلاف جو ہزار ہر سال سے مرد عورت پہ کرتا آیا ہے۔ اس ظلم کے خلاف میں احتجاج کروں گا۔ وہ عورت جو ہزار ہر سال سے رو رہی ہے، اس کے آنسو میں پوچھوں گا۔ وہ عورت جو ہزار ہر سال سے برہنہ ہے، اسے پاکیزگی کی سفید چادر سے میں ڈھانپوں گا۔ اس چادر سے جو میری اور تمہاری ممی کی عبادت کا لباس ہے۔ ایک گناہ اور صحیح میں شامل یہ رقص، یہ رقص ایک علامت ہے وحشت کی، حیوانیت کی، انسانیت کی تذلیل کی، کہ عورت کو کس طرح نچوایا جاتا تھا۔ آد رہے گا ممی، اس کلام میں تارا گناہ کی بیٹی بن کر ناچے گی، ہاں فالکی کی بیٹی بن کر ناچے گی۔
ایک گناہ اور صحیح کا ایک اہم کردار ممی کا کردار جو صبیہ خانم نے ادا کیا۔ اپنے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کردار کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ممی، ایک طرف تو یہ نام پاکستان میں اگر ہم 60 اور 70 اور 50 کی دہائی میں جائے تو اینگلو انڈین اس وقت ہمارے معاشرے کا حصہ تھے، جن کا کلچر، جن کی بول چال کچھ ہمارے معاشرے سے مختلف تھی، ان کو ہم آزاد خیال کہتے تھے۔ یہ ممی ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف ممی کو دیکھا جائے تو ماں، یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کا خیال بھی کرتی ہے لیکن اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ممی بھی خواتین سے دھندا تو کرواتی ہے لیکن جہاں یہ دھندا کرواتی ہے وہاں یہ ان کے دکھ اور سکھ کا خیال بھی رکھتی ہے۔ یہ کس طرح اداروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے اور کس طرح ہمارے ادارے اس دھندے میں، اس مکروہ جسم کے کاروبار میں ملوث ہیں، ایک گناہ اور صحیح اس کی بھی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ واپس آتے وقت کبھی تم نے کوئی غلط بات سوچا؟ میں کوئی قاتل ہوں؟ تو پھر ممی یہ میل ملاپ کا دھندا ضرور کرتا، بگڑا ہوا دولت مند کو غلط لڑکے سے ضرور ملاتا، بٹ ممی کبھی ایک خدا ہے تمہاری طرح، وہ خدا جو سب کا ہے، ممی کا، تمہارا جیسے کسٹمر کا، دھندا کرنے والی لڑکی کا، غریب کا، امیر کا، شریف کا، بدماش کا، سب کا۔ ہم سوری یار، ہم اپنے خدا کے پاس سے آ رہا تھا، تم کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ چھوکری لوگ اپنا خراب ماں باپ کا، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ممی تو بس خدا کی خدمت کا ہے، ان کو چھڑانے کا ذمہ دار جیسے تم ان کو پکڑنے کا ذمہ دار، اپنا اپنا ڈیوٹی ہے، تم پکڑتا ہے ہم چھڑاتا، تم پکڑتا ہم چھڑاتا، تم اپنا کام کرتا ہے ہم اپنا کام کرتا ہے، ادھر سے نہیں تو بڑا صاحب سے کرتا ہے، یہ لو ممی کو سب جانتا اور ممی بھی سب کو جانتا۔ سگریٹ؟ نو تھینک یو ممی۔ او مین، یہ رشوت نہیں، ہاں یہ تو کرٹسی ہے، ایک لاکھ، ایک لاکھ۔ کرٹسی یا اخلاق کو چھوڑو ممی، بولو کام کیا ہے۔ عورت اور معاشرے کے حوالے سے جو حسن طارق کی اگلی فلم میں نے منتخب کی ہے وہ ہے ماضی، حال، مستقبل۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ وقت کے حوالے سے ہے۔ ماضی، حال، مستقبل وقت کی علامات ہیں۔ وقت کیسے بدلتا ہے، وقت کیسے گزرتا ہے، یہ اس فلم کا خاص تھیم ہے۔ اور پھر حسن طارق کی خوبصورتی ہدایت کاری کی اس میں یہ ہے، فلم تھیوری اور فلاسفی کے لحاظ سے، کہ فلم کے جو تین مرکزی کردار ہیں ان کے نام، یعنی جو ہیروین ہے جس کا کردار بابرا شریف نے کیا، جینا، جینا بذات خود اردو زبان میں ایک نام ہے، ایک علامت ہے، جینا یعنی زندگی بسر کرنا۔ اس کے علاوہ ایک کردار اس میں ہے ڈارلنگ کا، ڈارلنگ وہ خاتون جو دھندا کرواتی ہے، جو مجبور لڑکیوں کا استحصال کرتی ہے، وہ ڈارلنگ ہے۔ وہ کس کی ڈارلنگ ہے؟ ان لوگوں کی جو عیاش ہیں، جو پیسوں پہ عیاشی کرتے ہیں، جو معاشرے میں بدکاری کرتے ہیں، وہ ان کی ڈارلنگ ہے۔ اور تیسرا نام ہے زخمی سیٹھ، وہ کردار ہے جو اداکار کوی نے ادا کیا۔ نام سے ظاہر ہے وہ سیٹھ تو ہے ہی ہے لیکن وہ زخمی ہے۔ اس کا زخم کیا ہے؟ وہ زخم ہے معاشرے کا ناسور، وہ جو جسم کا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں کھویا ہوا ہے۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی جس نے بے وفائی کی اور اس کی بچی کو بھی لے کر وہ اسی مکروہ دھندے میں شامل ہو گئی۔ وہ یہ زخم لیے پھر رہا ہے اور اپنی بچی کو تلاش کرتا ہے۔ اور اسی فلم کا جو ٹائٹل ہے، جب یہ فلم شروع ہوتی ہے تو اس میں چند ڈائیلاگ ہیں، یہ ڈائیلاگ بھی اس پوری فلم کی تھیم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اے زندگی، تو کتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی ہے، کس طرح چکمگا رہی ہے، مسلسل مسکرا رہی ہے، ناچ رہی ہے اپنی رنگینیوں پر، لیکن تو نے مجھے دکھوں کے سوا کیا دیا ہے؟ تو کتنی ریاکار ہے زندگی، اپنے دامن میں غم چھپائے، داغ سمیٹے، چہرے پر ایسا غازہ مل لیتی ہے کہ لوگ پھر بھی تیری طرف لپکتے ہیں، آرزوں اور خوشیوں کے انبار لیے، اور تو اتنی سندل ہے کہ خوشیاں چھین کر صدمے دے دیتی ہے، مسل دیتی ہے ارمانوں کو اس طرح کہ انسان چیخ اٹھتا ہے، رو دیتا ہے،
लेकिन आंसुओं से तर चेहरा लिए मुझे फिर भी तेरी तलाश है। है जिंदगी तू कहाँ है? मैं जो हर रोज मरती हूँ, हर बार मर कर तुझे हासिल करना चाहती हूँ। ऐ जिंदगी तू कहाँ है? मैं तुझे हासिल करना चाहती हूँ। हसन तारक ने इस फिल्म में रोशनी और उजाले की अलामत को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया, फिल्म थ्योरी के लिहाज से किसी भी बैन अल-अक़वामी फिल्म के मुकाबले में। हम जो रोशनी को समझते हैं, जो उजाले को समझते हैं, उनकी अलामत को भी समझते हैं। इस फिल्म के एक सीन, हम आपको एक सीन दिखाते हैं और फिर एक गाने के बोल, और इसमें आप पे वाज़े होगा कि हसन तारक ने रोशनी और उजाले को किस तरह इस्तेमाल किया। रोशनी जो घरों को उजाला भी देती है, रोशनी जो घरों को जलाती भी है, अंधेरा जो सुकून भी देता है और अंधेरा जो जला भी देता है, अंधेरा जो मायूसी भी है और रोशनी जो उम्मीद भी है। तुम्हें ये रोशनियां कैसी लगती हैं महबूब? लोगों ने घरों में उजाला किया है जी। इन रोशनियों ने अनगिनत घरों को जला जला है महबूब। मिट्टी के दिए जलते थे तो लोग जू नहीं बोलते थे, अब लोग सच नहीं बोलते। ठीक कहती हैं जी आप। लोग सोचते हैं मैं तुम्हें यहाँ क्यों ले आती हूँ? सोचते हैं जी। क्या वो तुम्हारा और मेरा रिश्ता समझते हैं? हमें क्या रिश्ता है मैडम जी, मैंने कई बार सोचा है लेकिन आज तक पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। सारा शहर उजाले में चल रहा है और हम अंधेरे में, बस यही रिश्ता है हम दोनों में। तुम्हारी आवाज से अंधेरे छटना शुरू हो जाते हैं। मैं इन अंधेरों को उजाला बना देखना चाहती हूँ महबूब। अब जो सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस सीन में आप अदबी जुमलों की खूबसूरती देखिए, उर्दू की खूबसूरती देखिए, और फिर बाबरा शरीफ के किरदार और सिगरेट के धुएं की अलामत को देखिए कि सिगरेट का धुआं और बाबरा का किरदार ये क्या बता रहा है। गरीब जी ना जी। ओह, जख्मी सेठ। जाने शायर, जाने महफिल, किस महफिल को सुना करके आ रही हैं आप? अंधेरों की महफिल को। हाय 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 हाय, क्या नाजुक ख्याली है। यूं लगता है आपने इस दिले दागदार के जख्मों पर फाह रख दिया है। वैसे हम आपको याद आया करते हैं ना जीना जी। बार किस वजह से? किस बार? आपकी हमकतों की वजह से। वल्लाह अहमक न होते तो आपके इश्क में गिरफ्तार क्यों होते। माजी हाल मुस्तकबिल का ये सीन तमांचा है हमारे माशरे पर।
कि किस तरह हमारे रियासती अदारे, हमारे शुरफा, हमारे रूसा शामिल हैं औरत के इस्तेसाल में, किस तरह हमने औरत को मजबूर किया, उसको इस्तेमाल किया, और इसमें हमारे शुरफा का, सो कॉल्ड शुरफा का, हमारे रियासती अदारों का क्या किरदार रहा। वो यकीनन बड़े तमाशबीन आवारा तोते होंगे। मुझसे हुज्जत करते हो? जानते नहीं, रात होते ही शहर के बड़े बड़े रऊसा और उमरा डार्लिंग की मुट्ठी में बंद होते हैं। मुट्ठी खोलिएगा मत, निकल जाएंगे वो लोग, एक ना एक दिन जरूर निकल जाएंगे। इसलिए कि उमरा और रऊसा बहुत छोटे जर्फ के लोग होते हैं। फिल्म में कवि और बाबरा शेख के किरदार बहुत अहम हैं। एक किरदार जो इस्तेसाल का शिकार है, एक किरदार जो इस्तेसाल करने वालों को ढूंढ रहा है। गुनाहगार वो भी है, वो भी इस गुनाहगार में शामिल है, गुनाहगार वो भी है। दोनों एक दूसरे के गुनाह को समझते हैं, और जब मिलते हैं तो उस वक्त जो उनके तासुरात हैं, जो डायलाग हैं, वो देखने के काबिल हैं। हमारी तीसरी फिल्म है बेगम जान। हसन तारिक की इस फिल्म के बारे में मैं पहले भी अपने वीडियो में थर्ड सिनेमा के हवाले से तफसील से बात कर चुका हूँ, लिहाजा मुख्तसरन इस फिल्म को देखते हैं कि हसन तारिक ने इस फिल्म में क्या कहा। कानून के हवाले से, हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से, हमारे माशरे पर इस फिल्म के ज़रिए जो कुछ कहा गया, वो चंद सीन आइए देखते हैं। तीसरी अदालत कभी ना बनाते, बस यही बात तो कानून की बेबसी के कालम की पहली लाइन है। खुदा गवाह सफर वाला, अपना कालम को बंद करो। वी अलबत्ता जुल्म की इस किताब में बेगम जान की सूरत एक नए कालम का इजाफा है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है वकील साहब के आंखें रूह की आईनादार होती हैं, आंखें जो बेगम जान के चेहरे पर भी हैं, मसलूम और बेबस आंखें, और आंखें जो इस दरिंदे के पास भी है, पास की आंखें, और आंखें आपके पास भी हैं वकील साहब, एक बिके हुए इंसान की आंखें। आपने इस दरिंदे को बचाने के लिए फीस ली है, आप तो इसे बचाने के लिए कानून के कालम को, जहां गरज और जरूरत का कालम कानूनदारों को कानून की लचक ढूंढने पर उकसाता है, वरना अगर आप दिल के कानून की किताब देख कर आते तो ये जरूर कहते कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत घुटने का इश्तहार लेकर अदालत के कटहरे तक नहीं आती। खुदा तो वो अजीम जात है जो अपने नाम पर झूठ बोलने वालों को भी कोई सजा नहीं देता। और फिर क्या आपका खुदा सिर्फ अदालत में हाजिर और नासिर रहता है? उसकी खुदाई का कालम तो बहुत वसी है वकील साहब, समंदरों की गहराई से आसमानों की बुलंदियों तक सब कुछ उसके इल्म में है। तो क्या आप हल्फिया बयान देने से इनकार करना चाहते हैं?
ये नहीं वकील साहब, दिल नहीं चाहता, इसलिए कि अब से पहले आने वालों ने खुदा के नाम पर झूठ बोले और आपने सिर्फ अपनी कार्रवाई का कालम मुकम्मल किया है। फिर भी आपकी खातिर मैं इकरार करता हूं कि अपने खुदा हाजिर और नाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। बेगम जान में अदाकार कवि खान ने एक सहाफ़ी, ईमानदार सहाफ़ी का किरदार अदा किया। उनका जो लिबास था उसमें हर सीन में उनकी टाई जो है वो ढीली थी। ये ढीली टाई भी फिल्म थ्योरी के लिहाज से एक अलामत है, अलामत है उस माशरे से बगावत की जो कि सख्त है, जो कि कैद है चंद नज़रियात में। और ये टाई, खुली टाई इस चीज़ की भी अलामत है कि वो शख्स अपने आप को माशरे की बंधनों से आज़ाद करना चाहता है, वो अंदर से अपने आप को आज़ाद और इस माशरे से अलग महसूस करता है। तो एक बहुत खूबसूरत अलामत थी जो कि हसन तारिक ने बेगम जान में इस्तेमाल की। बेगम जान में एक सीन बहुत अहम था कि जब माँ मर जाती है और उसका एक ईमानदार सिपाही बेटा और एक ईमानदार साफ़ी बेटा घर में है और वो उसका कफन दफन का इंतज़ाम भी नहीं कर सकते, ये था माशे के मुंह पे एक जोरदार तमांचा। भैया, माँ मर गई, माँ मर गई। भैया शुक्र करो कि मर गई। अगर किसी की माँ बहन या बेटी दामन में इज्जत समेटे मर जाए सिपाही आफ्ताब, तो शुक्र करना चाहिए, वरना क्या खबर किसी के साथ क्या हो जाए। तुम हर वक्त अपने बातों में उलझे रहते हो, बाकी ही कफन का इंतजाम करो। हम दोनों के पास कुछ भी नहीं है आफ्ताब। माँ को अपनी ईमानदारी, मेरी शराफत और उसकी बेबसी में लपेट कर दफन करते हैं। अगर माँ को कफन मिल गया तो लोग कहेंगे तू रिश्वत लेता है। पगले, तेरी तनख्वाह में कफन की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। अगर सिपाही बेकफन दफनाया जा सकता है तो उसकी माँ भी बेकफन दफनाई जा सकती है। माँ को बेकफन दफन करते आफ्ताब, ये कब्रिस्तान के कालम की आखिरी लाइन थी, आखिरी लाइन। बेगम जान 1977 में रिलीज हुई, लेकिन बेगम जान के इस सीन में जिसकी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें आज के माशरे की झलक भी नज़र आती है। 1977 हो या आज का वक्त, वही IMF वगैरह, वही इंटरनेशनल माशी अदारे, वही बैन अल-अक़वामी साजिशें, अमन के नाम पे फ्रेब, ये सब कुछ आज भी उसी तरह मौजूद है। अरे बात तो सुनो, फिर कहाँ मिलो? अपना बस्ती में या फिर इस बंगला में? बस्ती में या फिर इस बंगले में? कहीं झोपड़ी और बंगले का मिलाप तो नहीं हो गया? इसका मतलब है दौलत के कालम में कुछ अच्छी बातें भी लिखी जाएंगी, कुछ अच्छी बातें। तारीख बदल जाएगी, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी और आफ्ताब रिश्वत लेनी शुरू कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। बाहर के मुल्कों की एड कैसे आएगी? जंग कैसे होगी? इतने बड़े बंगलों और झोपड़ियों में मिलाप, ये तो अमन की बात है। और इस दुनिया में अमन कभी नहीं हो सकता। इंसान इंसान का दोस्त नहीं, दुश्मन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले लेक्चर में हसन तारिक की मजीद फिल्मों पे भी बात करेंगे जो कि इंसानी ताल्लुकात के हवाले से हैं, जो कि औरत के मौजू पे हैं, और हसन तारिक के हदायतकारी के फ़न पे बात करेंगे कि हसन तारिक किसी भी तरह बैन अल-अक़वामी हदायतकार से कम नहीं थे। वो फिल्म फिलासफ़ी और फिल्म थ्योरी को पूरी तरह समझते थे और उन्होंने अलामात का नहायत खूबसूरत इस्तेमाल किया। अब इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। This is cinema.